गुरु बिक्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक पढ़ेंगे। आपने पढ़ा होगा जब आपको 98 का स्क्वायर निकालना होता था या 97 का क्यूब निकालना होता था तो छोटी क्लासेस में क्या करते थे आप, 100 - 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के आप इसे सॉल्व कर लेते थे इजिली। लेकिन अगर आपको 98 to power 9 निकालना हो, 95 to power 17 निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे इसे? तो यहां पे जब पावर्स बड़े हो जाते हैं तो हम उसे कैसे एक्सपेंड करते हैं, बाय द यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो यहां पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज आता है। तो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे आज पास्कल ट्रायंगल। अगर आप a + b to power 1 लिखना हो तो आप कैसे लिखते हैं, a + b। अगर आप a + b का स्क्वायर लिखें, दैट इज a + b होल स्क्वायर, आप कैसे लिखेंगे, a² + 2ab + b² isn't it? अगर आपको a + b का होल क्यूब लिखना है तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है a³ + 3ab² + 3ab² + b³। सिमिलरली अगर आपको a + b to power 4 निकालना हो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं a + b whole cube into a + b, दैट इज इक्वल्स टू a³ + 3a² + 3ab² + b³ into a + b, and that is equals to a² + 3a³ b + 3a² b² + b³a + a³b + 3a² b² + 3ab³ + b⁴। That is equals to a² + 3ab + a³b. That is equals to 4ab + 3a² b² + 3a² b² That is equals to 6a² b² + 3ab³ + ab³ That is equals to 4ab³ + b⁴। ये क्या है, a + b⁴। सिमिलरली अगर आपको a + b⁵ निकालना है तो आप इस पूरे टर्म में a + b से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, दैट विल बी वेरी लेंथी प्रोसेस। आपको इन सारे फॉर्मूलाज में एक सिमिट्री दिखी होगी। अगर यहां पे पावर 1 था तो a⁻ 1 b⁻ 1, और जब पावर यहां पे 2 है, दैट मींस a + b का होल स्क्वायर, तो आप देखिए इन सारे कोफिशियंट के पावर कितने हैं, 2, दैट मींस a⁻ कितना है 2, a * b, दैट मींस a⁻ कितना है 1, b⁻ कितना है 1, और ये दोनों मल्टीप्लाइड में है, दैट मींस इसका पावर कितना हो जाएगा, 1 + 1, दैट इज इक्वल्स टू 2 और यहां पे 2। सिमिलरली जब क्यूब था तो पावर क्या थी, 3, 2 + 1 3, 1 + 2 3 3। सिमिलरली जब पावर 4 है तो आप देखिए 4 a³ * b⁻ 1, दैट मींस 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4, a² - b², दैट मींस 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4, 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4, और ये b⁴ पावर 4 है। ये पहला इंटरेस्टिंग कंक्लूजन है। दूसरी बात आप देखिए, जब आप एक स्टेप इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मींस पहले कोफिशियंट से दूसरे कोफिशियंट पे आ रहे हैं, a की पावर 1 रिड्यूस हो रही है और b की पावर 1 बढ़ रही है, isn't it? a² a * b, a की पावर 0 हो गई और b की पावर 2 हो गई। सिमिलरली a³ में a की पावर 1 रिड्यूस हुई और b की पावर 1 बढ़ गई, a की पावर अगेन 1 रिड्यूस हुई और b की पावर अगेन 1 बढ़ गई, a की पावर 0 हो गई और b की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई।
तो ये दो इंटरेस्टिंग कंक्लूजन है। अगर आपको ऐसे ही a प्लस बी टू पावर 50 करें तो आप कैसे लिखेंगे उसे, a टू पावर 50 प्लस ये कांस्टेंट आपको नहीं पता है, 2, 3, 3 ये कांस्टेंट यहाँ पे क्या आएंगे ये आपको नहीं पता, ये आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन इस कांस्टेंट को छोड़ के बाकी सब कुछ आपको पता है। अगर a प्लस बी टू पावर 50 होगा तो आप कैसे लिखेंगे, a टू पावर 50 प्लस a टू पावर 49 इंटू b इंटू कुछ कांस्टेंट, ठीक है, प्लस a टू पावर 48 इंटू b स्क्वायर इंटू कुछ कांस्टेंट, अगेन ऐसे लिखते जाएंगे प्लस b टू पावर 50 लास्ट टर्म। तो ये कांस्टेंट हम निकालते हैं बाय द यूज ऑफ पास्कल ट्रायंगल। तो पास्कल ट्रायंगल देखते हैं हम कैसे बनता है। 1, 1, 1 ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, ये पावर सिंबलाइज कर रहा है, ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, ये भी पावर सिंबलाइज कर रहा है, दैट मीन्स ये कौन सा पावर है, 1। जब a प्लस बी टू पावर 1 था तो a का कोफिशियंट क्या था, 1, b का कोफिशियंट क्या था, 1। जब यहां पे 2 है तो आप देखिए a स्क्वायर का कोफिशियंट 1, a इंटू बी का कोफिशियंट 2, b स्क्वायर का कोफिशियंट 1। सो दिस विल बी 1, 2, 1। जब पावर 3 है तो कोफिशियंट कैसे हैं, 1, 3, 3, 1, दैट मीन्स 1, 3, 3, 1। जब पावर 4 है तो कोफिशियंट कैसे हैं, 1, 4, 6, 4, 1, दैट मीन्स 1, 4, 6, 4, 1। आप कुछ इंटरेस्टिंग देख रहे हैं इसमें, जब पावर 0 थी, ये पावर 4 के लिए, जब पावर 0 थी तो कोफिशियंट क्या होगा, 1। जब पावर 1 है तो कोफिशियंट क्या है a और b की, 1 और 1। जब पावर 2 है तो कोफिशियंट क्या हो रहे हैं, 1, 2, 1। सिमिलरली पावर 3 और पावर 4 के लिए हमने लिखा है। ये 2 आप कैसे डिराइव कर रहे हैं, 1 + 1 = 2। अगेन ये 3 आप कैसे डिराइव कर रहे हैं, 2 + 1 = 3, 2 + 1 = 3, दैट मीन्स लाइक दिस। आपने 1 + 1 को ऐड किया, आपको यहां पे क्या मिला, 2। तीसरा कॉलम कैसे बनाएंगे, आप 1 से शुरू करेंगे, 1 + 1 = 2, और जो लास्ट होगा वो क्या होगा, 1 से एंड होगा, इजंट इट। फोर्थ कॉलम के लिए आप 1 से शुरू करेंगे, 1 + 2 = 3, 2 + 1 = 3, लास्ट में आप 1 से एंड करेंगे। सिमिलरली फोर्थ कॉलम के लिए आप 1 से शुरू करेंगे, 3 + 1 = 4, 3 + 3 = 6, 3 + 1 = 4, और 1 से एंड करेंगे। सिमिलरली अगर आपको फिफ्थ कॉलम लिखना होता तो आप कैसे लिखते हैं, 1 से शुरू किया, 1 + 4 = 5, 4 + 6 = 10, 6 + 4 = 10, 4 + 1 = 5, और 1 से एंड कर दिया। अगर सिक्स्थ पावर लिखना होता a प्लस बी टू पावर 6 तो वो क्या होगा, आप 1 से शुरू करेंगे, 1 + 5 = 6, 5 + 10 = 15, 10 + 10 = 20, 10 + 5 = 15, और 5 + 1 = 6, और 1 से एंड कर दिया। तो अगर आपको a प्लस बी टू पावर 6 लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, a प्लस बी टू पावर 6, इसे आप कैसे लिखेंगे, a टू पावर 6, सबसे पहले a की पावर क्या रहेगी, जो पावर आपको यहां पे दे रखी है वही पावर आप a की लेंगी, a टू पावर 6। कोफिशियंट क्या होगा, 1, प्लस a की पावर 1 रिड्यूस होगी, b की पावर 1 इंक्रीज होगी, दैट मीन्स a टू पावर 5 इंटू b, इसका कोफिशियंट क्या होगा, 6, प्लस अगेन a की पावर 1 रिड्यूस होगी, b की पावर 1 बढ़ेगी, और इसका कोफिशियंट क्या होगा, 15, प्लस अगेन a की पावर 1 रिड्यूस होगी, b की पावर 1 बढ़ेगी, और इसका कोफिशियंट क्या होगा, 20, प्लस
अगेन ए की पावर एक रिड्यूस होगी, बी की पावर एक बढ़ेगी और इसका कोफिशियंट क्या होगा 15 प्लस अगेन ए की पावर एक रिड्यूस होगी, बी की पावर एक बढ़ेगी और इसका कोफिशियंट क्या होगा 6 प्लस बी की पावर 6, ए की पावर क्या हो जाएगी 0 और इसका कोफिशियंट क्या होगा 1। सो ये है ए प्लस बी टू पावर 6 का एक्सपेंशन। आपने सिंपली पास्कल ट्रायंगल यूज करके ए प्लस बी टू पावर 6 का एक्सपेंशन निकाल लिया। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो आप सोचिए कितना लेंथी प्रोसेस करते हैं आप। पहले ए प्लस बी टू पावर 4, इन सारे टर्म को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, अगेन जो आपको टर्म आती सिंप्लीफाई करने के बाद उसे अगेन ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाता। हालांकि ये सबसे इजिएस्ट वे नहीं है इस ए प्लस बी टू पावर 6 को एक्सपेंड करने के लिए, लेकिन फिर भी ये इस वे से तो काफी इजी है। हम पहले ए प्लस बी टू पावर 4 को एक्सपेंड करें, फिर उसमें ए प्लस बी मल्टीप्लाई करें तो हमें ए प्लस बी पावर 5 मिलेगा। अगेन उसमें हम ए प्लस बी मल्टीप्लाई करें तो हमें ए प्लस बी टू पावर 6 मिलेगा। दैट वॉज वेरी लेंथी प्रोसेस। पास्कल ट्रायंगल यूज करके हमने इसे कुछ रिड्यूस कर लिया, लेकिन हम जब बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, जब हम इसे बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो ये एक लाइन में एक्सपेंड हो जाएगा। हमें ये पास्कल ट्रायंगल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि हम बाइनोमियल थ्योरम के यूज से इसे कैसे एक्सपेंड करते हैं।